कुंवारी लड़कियों का दूध धपने के फायदे हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुंवारी लड़कियों का दूध धप पीने से क्या फायदे होते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाली हूं दोस्तों जैसे कि किसी भी महिला को बच्चा पैदा होने के बाद उसके स्तनों में दूध आने लगता है और वह उसी दूध से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो नवजात शिशु अगर महिला का दूध पीता है तो उसे अधिक फायदे होते हैं उसका एक साल तक पालन पोषण उसी दूध पर होता है तो दूध में काफी एनर्जी होती है और यह दूध इंसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है दोस्तों पुरुष महिलाओं के स्तनों का दूध से करते समय पीते हैं, ताकि उन्हें से करने में अधिक मजा आ सके और ऐसे में महिलाओं को भी यह काफी पसंद होता है अगर कोई पुरुष उनके बूख को दबाकर उसे चूसे और उससे दूध धन निकालकर पिए तो महिलाएं काफी उत्तेजित हो जाती है दोस्तों जब मियां बीवी दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस वक्त पुरुषों को महिलाओं की चूप ची काफी आकर्षित लगते हैं और पुरुष उन्हें दबा दबा कर मुंह में लेकर चूसना चाहता है और जब पुरुष ऐसा करते हैं तो उस दौरान महिलाएं उत्तेजित होती है क्योंकि महिलाओं के चूप ची यह उनकी से पावर को बढ़ाने का एक जरिया होता है आप महिलाओं के सपनों को जितना मसलोगे और दबाओगे उतनी महिलाएं से इसके लिए उत्तेजित होगी जब पुरुष महिलाओं के चू ची को अपने मुंह में लेकर उसे चूसने लगते हैं और चूसने की वजह से महिलाओं के स्तनों से दूध बाहर निकलता है काफी सारे पुरुषों को महिलाओं के ची का दूध पीना अधिक पसंद होता है और यह पुरुषों के लिए काफी फायदेमंद भी साबित होता है तो चलिए देखते हैं लड़कियों के स्तनों का दूध पीने के कौन से फायदे पुरुषों के लिए होते हैं लड़कियों के ची का दूध पीने से से करते वक्त लड़की काफी उत्तेजित होती है लड़कियों के बुख दबाने से लड़कियों के साथ से करने में बड़ा मजा आता है और आप लड़कियों को कामुकता का आनंद दिला सकते हैं जैसे नवजात शिशु को एक साल तक महिलाओं के दूध पर ही जीवन गुजरता है क्योंकि महिला के दूध से ही सारी एनर्जी मिलती है ठीक उसी प्रकार पुरुषों को भी वही एनर्जी मिलती है इससे पुरुषों के शरीर में प्रोटीन विटामिन और एनर्जी की कमियां दूर हो जाती है पुरुष जब लड़कियों के स्तनों को अपने मुंह में लेकर चूसते हैं ठीक उसी प्रकार लड़कियों की भी इच्छा होती है पुरुषों के लिए ग को अपने मुंह में लेकर चूसने की और इस दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं जब लड़कियों के स्तनों से दूध निकलता है तो उससे पहले उनके बूथ को अच्छी तरह मसलना और दबाना जरूरी होता है जिससे स्तनों के भीतर की मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है और पुरुषों को उसे दबाने में और भी मजा आता है स्तनों को दबाने की वजह से स्तनों के भीतर की दूध है। अन्य दूध के मुकाबले महिलाओं का दूध यह काफी शक्तिशाली और एनर्जी से भरपूर होता है लड़कियों के स्तनों में दूध कब आता है दोस्तों जब एक लड़की की शादी होकर शारीरिक संबंध बनाती है और से करने से जब वह प्रेग्नेंट होती है उसके नौ महीने बाद बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देने के पहले से ही महिलाओं के स्तनों में दूध का बनना शुरू हो जाता है और बच्चे को उसी दूध का सहारा मिलता है और उसी दूध के सहारे बच्चा छह महीने या एक साल तक अपनी जीवन की गतिविधियां पूरा करता है तो दोस्तों लड़कियों के स्तनों में दूध प्रेगनेंसी के वक्त ही बनना शुरू हो जाता है जो कि बच्चा जन्म होने के बाद उसकी भूख को मिटाने के लिए जरूरी होता है और उसी दूध की वजह से उसकी ग्रोथ होती है